जे गांधी अस्पताल के रेडियोथेरेपी विभाग का प्रशासन एवं हॉस्पिटल प्रबंधक की उपस्थिति में तोड़ा गया ताला। जल्द शुरू होगा रेडियोथेरेपी विभाग। सामाजिक कार्यकर्ता बी के माला की पहल पर हुई कार्यवाही, कमिश्नर से की गई थी शिकायत। संजय गांधी अस्पताल के रेडियोथेरेपी विभाग में आशा केयर सेंटर ट्रस्ट के द्वारा टेंडर समाप्त होने के बाद भी जड़ा गया था ताला। आशा केयर सेंटर के द्वारा टेंडर खत्म होने के बाद भी नहीं खोला गया था ताला, तो आज संजय गांधी अस्पताल के अधिकारी एवं प्रशासन नायब तहसीलदार यतीक शुक्ला के उपस्थिति में ताला तोड़ा गया और आशा केयर संस्था के सामान को एक कमरे में सुरक्षित रखा गया। अब संजय गांधी हॉस्पिटल प्रबंधक के द्वारा ही रेडियोथेरेपी विभाग को पुनः शुरू किया जाएगा। जल्द से जल्द सामाजिक कार्यकर्ता बी के माला के द्वारा रीवा कमिश्नर से शिकायत की गई थी, जिस पर कमिश्नर ने तत्काल ही मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। ये आशा कैंसर केयर जो एक प्राइवेट संस्था थी, उसका मेडिकल कॉलेज से MOU था रेडियोथेरेपी मशीन चलाने के लिए, जो कि 28 अप्रैल को ख़त्म हो गया था। और उसके बाद शासन की कार्यकारिणी द्वारा ये नियमित लिया गया था, कॉलेज की कार्यकारिणी द्वारा, कि ये अब मशीन जो है और बाकी विभाग का संचालन संस्था के स्तर पर स्वतः ही किया जाएगा। चूँकि आपके कार्यालय काम में काफ़ी शिकायतें थी, कई वित्तीय और मरीजों की शिकायतें थी, कई संस्थाओं ने शिकायत की थी, तो तत्कालीन कमिश्नर साहब ने ये निर्णय लिया था कि अब ये संस्था और विभाग और मशीन का संचालन संस्था के द्वारा किया जाएगा। किस कंपनी को सर टेंडर मिला था? ये कंपनी ने, ये एक समिति थी, आशा कैंसर केयर समिति थी, जिसमें पहले शुरू में 3 उसके मेंबर थे, फिर उन लोगों ने आपसी कुछ डिस्प्यूट के कारण 2 लोग बचे थे कार्यकारी, अभी योगेश शुक्ला जी हैं, और उनको बता के फिर ये उनको नोटिस दिया गया है, लेकिन कुछ कारणों से वो इसको पेंडिंग में डाले हुए थे। फिर जब ये उन्होंने हाईकोर्ट में भी इसका वो लगाया था, एप्लीकेशन लगाई थी, हाईकोर्ट से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी, किसी प्रकार का एक्सटेंशन ना दिया जाए। फिर हमने SDM सर, कलेक्टर महोदय के निर्देश पर SDM सर से एप्लीकेशन डाली, जिन्होंने आज ये कार्रवाई करवाई जी। जब से MOU ख़त्म हुआ था तब से लगा हुआ था। वार्ड हम लोगों को, वार्ड हमारे चार्ज में था, वार्ड में हमारे डॉक्टर हैं, नए डॉक्टर भी कई लोग काम कर रहे हैं, तो कीमोथेरेपी और सपोर्टिव थेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा था, रेडिएशन थेरेपी आपने लॉक कर रखा था तो इससे प्रभावित हो रही थी। आप उम्मीद है कि जल्दी चालू हो जाएगी। सर, नया कार्ड कब स्टार्ट होने वाला है? जैसे ही पोजिशन में आएगा स्टार्ट हो जाएगा। मैं डॉक्टर प्रियंक शर्मा, मैं प्रोफेसर हूँ सर्जरी का और इंचार्ज रेडियोथेरेपी विभाग। ये संजय गांधी हॉस्पिटल में कैंसर यूनिट बनी हुई है और इसको एक प्राइवेट NGO आशा केयर सेंटर के द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसका कि जो भी इनकी निविदा थी वो समाप्त हो गई थी। निविदा के पश्चात से जो भी इनके CMO साहब थे, उन्होंने पत्राचार किया कि आप इस स्थान को खाली कर दें, परंतु आशा सेंटर के द्वारा पर ये संस्था स्थान खाली नहीं किया जा रहा था। उसी को लेकर के प्रभारी CMO साहब ने SDM साहब को पत्राचार किया था कि हमारा लोक परिसर खाली किया जाए, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट आ रहे थे लगातार, और पेशेंट तो स्थान बंद होने के कारण से पेशेंट का लगातार ही निरंतर इलाज नहीं हो पा रहा था। उसी को लेकर के मामला दर्ज किया गया माननीय SDM महोदय के कार्यालय में, और लोग परिसर बेदखली अधिनियम के तहत बेदखली का आदेश पारित किया गया था, उसी के तहत आज यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर जो भी ताला लगा हुआ था उसको निकलवा करके जो भी यहाँ पर स्थान है हमारा, वो CMO साहब को हस्तांतरित किया जा रहा है। अब बस वो कुछ कह रहे हैं, उनका कहना है कि हमने मशीन कुछ रिपेयर कराया था, मशीन का रिपेयरिंग का हमको कुछ चाहिए, सामान हमारा लगा, उस तरह के कुछ इशू हैं वापस में उनके, तो पर उसमें से लेकर के हम रोगियों के या बीमार जो इलाज आ रहे हैं पेशेंट, उनके इलाज को नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि इलाज एक प्राथमिकता की चीज़ है। इसी को लेकर के आज लोग परिसर बेदखली के तहत ये परिसर खाली कराया जा रहा है। आज आपकी पहल पे संजय गांधी हॉस्पिटल में रेडियोथेरेपी विभाग का ताला तोड़ा गया है, क्या था पूरा मामला? देखिए, संजय गांधी हॉस्पिटल के अंतर्गत
एक वहाँ पर आशा केयर सेंटर एनजीओ के माध्यम से संचालित होता था, उसकी निगरानी अधिष्ठाता छात्र विभाग के द्वारा श्याम साहा महाविद्यालय के द्वारा की जाती थी। इस संदर्भ में उनके द्वारा कई नियम विरुद्ध भ्रष्टाचार किए गए थे। वहाँ के पेशेंट के नाम पर वहाँ की गवर्नमेंट की जो योजनाएं थी तो बिना शासन की निगरानी और बिना अधिष्ठाता के निगरानी के, बिना उनके अप्रूवल के वहाँ राशि का आहरण किया जाता था, दवाइयों का आहरण किया जाता था, नियम विरुद्ध पेशेंटों की लिस्ट बनाई जाती थी, नियम विरुद्ध कार्य किए जा रहे थे, जिसकी शिकायत हमने माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के संज्ञान में लाई थी। इसलिए कि आयुक्त महोदय रीवा संभाग उसके संजय गांधी हॉस्पिटल के चेयरमैन भी होते हैं, ऐसी परिस्थिति में शासन को भी हमने जानकारी दी थी कि इस प्रकार स्वास्थ्य को लेकर हमारे रीवा संभाग के संजय गांधी हॉस्पिटल जो कैंसर यूनिट एक ही यूनिट है उसमें व्यापक गड़बड़ी हो रही है। जो आशा केयर सेंटर यूनिट के संचालक हैं उनके द्वारा नियम विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं। नियमित रूप से वहां पे उनके द्वारा स्टाफ नहीं रखे जा रहे हैं बल्कि नियमों को बलाय ताक पर रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में आयुक्त महोदय जी ने इस प्रकरण को संज्ञान में लिया और गंभीरता से लेते हुए उन्होंने इस संदर्भ में अधिष्ठाता शासकीय श्याम साहा चिकित्सा महाविद्यालय को पत्राचार किया गया था। पत्राचार के संदर्भ में जांच हुई थी, जांच में यह भी पाया गया था कि उनके द्वारा जबरन जो टेंडर हुआ था टेंडर समाप्त तो भी हो गया था, तो उन्होंने टेंडर समाप्त तो होने के बाद भी कब्जा किया गया था और कब्जा उनका था, उन्होंने वहाँ पर कब्जा किया, मशीनरी पर कब्जा किया, यह अवैधानिक था। या वहाँ तो अभी टेंडर समाप्त किए 3-4 महीने की समय अवधि, तो 3-4 महीने से उन्होंने अपना ताला जड़ दिया था जो अवैधानिक था। ताला जड़ टेंडर हो गया था, टेंडर की प्रक्रिया समाप्त हो गई थी, तो ताला जड़ने का कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ तक वो जुगाड़ में थे अपना टेंडर कॉल बढ़वाने के लिए, परंतु जब टेंडर समाप्त हो गया तो संजय गांधी केयर सेंटर को उनको हैंड ओवर कर देना चाहिए डिपार्टमेंट को। इस संदर्भ में डिपार्टमेंट के आदेश हैं, डिपार्टमेंट को नोटिस जारी की गई थी, डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी की गई थी उनको, परंतु उन्होंने नोटिस को जवाब नहीं दिया। किसी के कहने पर ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था कि उनके व्यक्तिगत है, कैंसर यूनिट हॉस्पिटल है, ना कि उनका व्यक्तिगत घर है। इससे संदर्भ में मैंने आयुक्त महोदय को पत्र दिया था, आज आपके माध्यम से यह जानकारी हमें प्राप्त हो रही है कि वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की और महाविद्यालय की स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की का संयुक्त कार्रवाई हुई है, जिसमें ताला तोड़ने की कार्रवाई हुई। निश्चित तौर से कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं और इनके खिलाफ FIR की कार्रवाई भी होनी चाहिए और वसूली की कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर क्या वजह है कि हॉस्पिटल प्रबंधन सक्षम नहीं था कैंसर विभाग को अपने हैंड ओवर करने में? नहीं, कार्रवाई एक नियमता प्रक्रिया में होती है, उन्होंने पत्राचार की कार्रवाई संभवतः कर रहे थे, इसमें हमारा भी नैतिक कर्तव्य है, तो हम इस मुद्दे को उठाए हैं और ये प्रशासन के सामने प्रकरण हमने लाया है। संज्ञान में लाने के बाद इस पर त्वरित कार्रवाई हुई, इससे पूरे क्षेत्र में और स्वास्थ्य महकमे में हर्ष का विषय है।